नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे एंड आई एम योर मेंटोर शिवांश वसीम। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड लेना है, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का सिनेरियो किस तरीके से रह सकता है। उससे पहले जिस तरीके से आप लोगों के मेरे व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे, आप लोग इंस्टाग्राम पे भी पूछ रहे थे, सो हम लोगों ने दोबारा स्टार्ट कर दिया। यस, क्योंकि 1 अप्रैल दोबारा आ रहा है, सो हम लोगों ने दोबारा अपने सर्विस को स्टार्ट कर दिया, जो कि हम लोग 5 अप्रैल से कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी ऑलरेडी एक सर्विस स्टार्ट है, जिसपे मैं कॉल्स प्रोवाइड कराता हूँ। जो भी कॉल्स मैं बाय करता हूँ या फिर मैं अपने क्लाइंट्स को बाय करवाता हूँ, वो एग्जैक्ट कॉल्स प्रोवाइड होती हैं। अब इसका मैं आप लोगों को एक बार सिनेरियो बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 5 अप्रैल से हम लोग दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, एंड अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर है जिसपे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट आप सिर्फ हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम वहां पर कॉल रिसीव नहीं करते हैं आप लोगों की। आप व्हाट्सएप पे जो भी क्वेरीज होती हैं आप हमसे पूछ सकते हैं, एंड उसी के थ्रू पूरा का पूरा प्रोसीजर चलेगा। सो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से होगा। देखिए, इंट्राडे कॉल्स बहुत ज्यादा ही लिमिटेड होंगी, ठीक है, बहुत ज्यादा लिमिटेड होंगी इंट्राडे कॉल्स। अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो सो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। अगर आपके पास अच्छी कैपिटल है तो आप लोग और भी अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। जनरली हम लोग स्विंग ट्रेडिंग प्रोवाइड कराते हैं या फिर हम BTST टू 1 टू 2 डेज की कॉल होल्डिंग प्रोवाइड करवाते हैं। ऑप्शंस रहती हैं, ऑप्शंस हम लोग जनरली एक्सपायरी के आसपास ही प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें हम लोग ऑप्शन बैंक निफ्टी या निफ्टी की एक्सपायरी की प्रोवाइड करवाते हैं। प्लस हम लोग इक्विटी पे ही ज्यादातर डेल्ट करते हैं, एंड इंट्राडे पे थोड़ा कम होता है। इंट्राडे में अगर कुछ स्टॉक्स पसंद आते हैं तो डेफिनेटली प्रोवाइड होता है, बट ज्यादा से ज्यादा हम लोग नहीं प्रोवाइड करवाते। सो अगर आप लोग इंट्राडे के ज्यादा फेवर में हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये सर्विस आपके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कि मैं इंट्राडे सर्विस नहीं देता, ना मैं इंट्राडे में ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। यस, मैं इंट्राडे करता हूँ बट बहुत लिमिटेड, अगर मुझे कुछ अच्छा स्कोप दिखता है तो। सो डोंट वरी, बट मैं एक स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ और शेयर करने वाला हूँ जिसपे मैं इंट्राडे में डेफिनेटली काम कर रहा हूँ। मैं सजेस्ट किसी को भी नहीं कर रहा, बट मैं काम कर रहा हूँ जो अराउंड अराउंड 10 बजे, 10 बजने से पहले पहले आपके सारे टारगेट्स अचीव्ड हो जाएंगे, एंड आप उस पर एंट्री लेके एग्जिट भी कर पाओगे। सो वो स्ट्रैटेजी में मैं काम कर रहा हूँ। आज मैं अपने स्टूडेंट्स को मैसेज भी करने वाला हूँ कि उस स्ट्रैटेजी को थोड़ा ध्यान से इंप्लीमेंट करें, एंड उसके बेसिस पे ऑब्जर्वेशंस निकाले। जब वो लोग टेस्ट कर लेंगे स्ट्रैटेजी को, डेफिनेटली मैं वो यूट्यूब वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट जरूर करूंगा। तो चलिए 5 स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों का सारा आंसर जो मेरा वो हैंडल कर रहा है वो आपको सारा का सारा क्वेरीज प्रोवाइड करवा देगा। 5 अप्रैल है जब से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मंडे ऑनवर्ड से। तो चलिए चलते हैं स्टॉक्स की तरफ एंड देखते हैं कल से कौन से स्टॉक्स धमाका कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड सबसे पहले स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो इस पर्टिकुलर स्टॉक का नाम है LTI। LTI स्टॉक का नाम है, एंड मैं दिखाता हूँ कि इस पे कौन से पैटर्न्स बने, कब बाय करना है, क्या स्ट्रैटेजी है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग एक हायर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होगा कि एक पैटर्न डेवलप हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं एन हेड एंड शोल्डर पैटर्न, विच इज अ बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एंड यहाँ पर आप क्लियर वे में देख सकते हैं एक बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बना है। क्लियर इसका ब्रेकआउट हमें इस लेवल पे देखने को मिला है, एंड ब्रेकआउट देखने के बाद आप देख सकते हैं एग्जैक्ट अपने ब्रेकआउट कैंडल या ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके इसने अपनी क्लोजिंग दी है। बट इट्स द गुड टाइम टू बाय, आई डोंट थिंक सो। लेट मी टेल यू क्यों। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि बार बार ये फेस करके नीचे आ रहा है। फर्स्ट टाइम आया, सेकेंड टाइम आया, मल्टीपल बार इधर आया। आप देख सकते हैं विक्स जो ये बार बार बन रही है, इस लेवल को ब्रेक करने में ये बहुत ज्यादा मुश्किल फेस कर रहा है, एंड आज के दिन भी इसका हाई तो ऊपर था बट क्लोजिंग नीचे हमें देखने को मिली है। किस तरीके से ट्रेड करना है, अगर इस लेवल के ऊपर ये निकलता है डेफिनेटली हम लोग एक बाइंग सेटअप बाय करके चल सकते हैं, ठीक है, हम लोग एक बाइंग सेटअप को बाय करके चल सकते हैं। मैं लेवल्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा एंड उसके बेसिस पे आप लोग ट्रेड करके चल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, आपके YouTube चैनल पे पहुंचेगी, आप हमारा टेलीग्राम जाके देख सकते हैं, वहां पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एंट्री पॉइंट और टारगेट्स प्रोवाइड करवा दिए होंगे। आप उसी के बेसिस पे कल मंडे कल वेडनेसडे मॉर्निंग में आप जाके ट्रेड लेकर चल सकते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक इस बजाज फिनसर्व पे भी मैं बाय करने की ही सलाह दे रहा हूं आप लोगों को, एंड इस पे
एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाने वाला था, बट मैंने सोचा आप लोगों को यहीं पर ही प्रोवाइड करवा दिया जाए। एक सिंपल गार्टले पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, एंड गार्टले पैटर्न से एक रिवर्सल आया, आप यहाँ पर क्लियर वे में देख सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने अपनी क्लोजिंग दी है और एक हॉल्ट कैंडल दिया जो कि इस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही है, एंड 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि डेली चार्ट पे है। ठीक है, सो मैं करना क्या है, अगर कल ये करंट प्राइस अगर की मैं बात करूं तो इसकी है 9500 का इसका करंट प्राइस है, अपने एग्जैक्ट एक साइकोलॉजिकल लेवल पे ही जाके क्लोज हुआ है। बट अगर ये 9510 के ऊपर या 9512 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है कल, सो डेफिनेटली एक अच्छा बाइंग मोमेंटम इस पे देखने को मिल सकता है। आज के दिन हम लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट अर्न करा है, मैंने कुछ पोजीशंस अपनी एग्जिट करी हैं, बट आई एम स्टिल होल्डिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक। जो मेरा अल्टीमेट टारगेट है, जो कि मेरा 1 से 2 हफ्ते का है, वो है 9900 का, एंड आई एम स्टिल होल्डिंग बिकॉज मेरे को नहीं लगता था कि आज के दिन ये बहुत बड़ी मूवमेंट दिखा देगा, ऑलमोस्ट 100 to 150 पॉइंट्स की मूवमेंट दे दी थी। So, मैंने सोचा कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूं, बट आई एम स्टिल होल्डिंग सम अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ओके, अभी भी बाय है, लेवल्स टेलीग्राम पे आपको शो कर जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। स्टॉक का नाम है बजाज फिनसर्व। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज सोलर इंडस्ट्री। सोलर इंडस्ट्री की तरफ अगर हम लोग देखेंगे, एक सिंपल एनालिसिस यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। आप सबसे पहले देख सकते हैं कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बहुत क्लियरली ये सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक अच्छा शार्प फॉल आया, देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है वो लाइफ टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स इट्स अ बुलिश स्टॉक। ठीक है, सो आपको यहाँ पर क्लियर वे में मैं दिखाना चाहूंगा, लेट मी जस्ट शो यू। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक डाउनफॉल, एक अपमूव, एक डाउनफॉल, एंड आप देख सकते हैं जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, एंड दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं मिनिमम टारगेट की भी बात करूं, दैट इज 336 यानी कि 340 के आसपास तक का टारगेट है, बट आई एम श्योर जिस तरीके से ये स्टॉक है, जिस तरीके के इसके पुराने पैटर्न्स हैं, जिस तरीके से ये वर्क कर रहा है, अगर मैं साइकोलॉजी के बेसिस पे भी जाऊं तो ये 1400 के टारगेट को मीट कर सकता है विद इन टू वीक्स के अंदर अंदर। तो ये स्टॉक भी मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, इस स्टॉक को भी आप जाके डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट स्टॉक इज LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस को भी आप यहां पर क्लियर वे में देख सकते हैं कि किस तरीके से फॉलो कर रहा है। लेट मी शो यू, एक डाउनफॉल, एक अपमूव, अगेन एक डाउनफॉल, एंड अभी एग्जैक्ट इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, जैसे ही 423 के ऊपर ब्रेकआउट करता है, डेफिनेटली एक बहुत अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है, एंड आवर फर्स्ट टारगेट शुड बी 432 एंड आवर सेकंड टारगेट शुड बी 440 रुपीज का लेवल। सो यहां तक प्रोबेबली जा सकता है, ज्यादातर ये जो स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ इंट्राडे में तो डेफिनेटली वर्क कर सकते हैं, बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी प्रेफरेबल है ये स्टॉक्स। ओके, सो आवर नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक इज, लेट मी शो यू, यस जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट मी फाइंड दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन दिस, क्योंकि मैंने यहां पर इसे रखा हुआ था। यस, सो ये पर्टिकुलर स्टॉक है, आप सिंपल यहां पर देख सकते हैं कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न और एक राइजिंग चैनल के अंदर ही काम कर रहा है, एक राइजिंग चैनल के अंदर काम कर रहा है, एग्जैक्ट अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, एंड वहां से एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट इसने दिया है। सो लेट मी टेल यू, आई एम स्टिल होल्डिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक, मैं यहां लेवल से होल्ड नहीं कर रहा, जब ये ब्रेकआउट आया था इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, आई एम स्टिल होल्डिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल। सो यहां पर मेरे लिए अभी भी बाय है, एंड आई पर्सनली थिंक ऑलमोस्ट 2600 मतलब यहां से 100 रुपए की मूवमेंट देने के लिए अभी भी कैपेबल है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप होल्ड करके चल सकते हैं, एंड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अगर आप लोग बिल्ड करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट स्टॉक आई एम सजेस्टिंग यू कि आप इसे होल्ड करके चल सकते हैं। सो 5 स्टॉक्स तो मैंने आप लोगों को डेफिनेटली बता दिए हैं। चलिए लेट्स मूव टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी के सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं, एंड क्लियर ब्रेकआउट तो मैं नहीं कहूंगा, बट अभी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको ये ब्रेक करना अभी भी इंपॉर्टेंट है। सो करंट प्राइस की अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी का करंट प्राइस चल रहा है अराउंड 14,845 के आसपास। जैसे ये 14,900 को ऊपर क्लोजिंग करता है, यानी कि 14,880 के ऊपर भी 15 मिनट की क्लोजिंग करता है, एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। सो लेट मी ओपन 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेट्स ऑब्जर्व। देखिए सिंपल एक बाइंग आई है, एक अच्छी बाइंग आई है, छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद दोबारा एक बाइंग आई। अब ये रिट्रेसमेंट के लिए दोबारा नीचे आ रहा था, सो व्हाट यू हैव टू डू, अगर ये दोबारा नीचे आता है हम बाइंग अपॉर्चुनिटी तब भी इनिशिएट करके चल सकते हैं, एंड एक चीज और हम लोग देखकर चल सकते हैं। ठीक है, ये क्या फॉर्मेशन बना सकता है, लेट मी शो यू, जस्ट वेट अ सेकेंड। यस, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न तब
भी फॉर्म कर सकता है, मतलब इधर से आके दोबारा जाए और एक ब्रेकआउट दे दे। सो ये पर्टिकुलर चीज को भी आप ऑब्जर्व करके चलना, इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा तभी हम लोग बाय करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। सो 14,880 या 885 के ऊपर 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग होती है, इट्स अ गुड बाय फॉर अस। लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी एंड चेक बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करा। सो बैंक निफ्टी में हम लोग देख रहे हैं कि एक अपर साइड में रेजिस्टेंस तो हमें देखने को मिल रहा है एग्जैक्ट इस लेवल पे, जो कि आ रहा है 33,940 के आसपास तक आ रहा है। सो अगर इस लेवल के ऊपर एक 15 मिनट की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो एक अच्छी बाइंग आ सकती है। क्यों कह रहा हूं मैं 15 मिनट की क्लोजिंग, लेट्स मूव टू 5 मिनट्स कैंडल। 5 मिनट्स कैंडल टाइम फ्रेम पे मैं देख चुका हूं कि ऊपर क्लोजिंग हुई थी बट एंड में नीचे ही जाके बंद हुआ। बट अगर मैं इसको 15 मिनट्स पर कन्वर्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि विक हमें देखने को मिली है ऊपर। सो जब 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर बंद होगी तभी हम लोग एक बाय सजेस्ट करेंगे और इसका शायद ब्रेकआउट आ भी जाए हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, जो कि सजेस्ट कर रहा है। देखिए अगर ये यहां से ही नीचे से ऊपर जाके जाता है तो एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है फ्रॉम हेड एंड शोल्डर पैटर्न इन बैंक निफ्टी और एक अच्छे लेवल्स ये दिखा सकता है। सो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है 33,940 के ऊपर का ब्रेकआउट का एंड क्लोजिंग का, उसके ऊपर आप डेफिनेटली एक बाइंग बना के चल सकते हैं। बट 5 मिनट की कैंडल पे ऑब्जर्वेशन मत रखिएगा, 15 मिनट की कैंडल पे रखिएगा एंड तब तक आपको बढ़िया रिजल्ट्स या बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। सो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ इस पर्टिकुलर सीरीज को, इस पर्टिकुलर वीडियो को। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है हमारी सर्विस पे तो डेफिनेटली आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं एंड हम लोग आप लोगों का आंसर डेफिनेटली देने की कोशिश करेंगे। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि एक ही बार में बहुत 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 ज्यादा ही क्वेरीज आ जाती है, सो इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रहेगा। मैंने टाइम इसलिए 5 तारीख का रखा है कि मैं 5 तारीख से पहले पहले सबका आंसर कर पाऊँ और सबको उस पर्टिकुलर सर्विस पे ज्वाइन करवा पाऊँ, ठीक है। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली हिट दैट पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन और वहां पर हमें व्हाट्सएप करिए, हम आपका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो तब तक के लिए मैं इस पर्टिकुलर सीरीज को यहीं एंड करता हूं, मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो पे। मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ।